नेक्स्ट खुशी, वर्क डन इन रोटेटिंग बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पीई कॉस थीटा। वर्क डन। बर सिट डाउन खुश साक्षी स्टैंड अप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रॉड। वेरी गुड सिट डाउन। तेजस सीजस यूनिट ऑफ चार्ज। वन कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। सिट डाउन भगत। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। सरफेस प्रथमेश काथार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। यश। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻¹⁹ कूलम। वेरी गुड। मास अभी कूलम में मेजर करेंगे हम। कल्याणी कल्याणी डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इंद्रायणी टॉपिक कुठला सुरू बेटा आपला? इलेक्ट्रॉनिक संपला ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माहिती आहे तुला कसं काय? गरव एवढं माहीत होतं का? ठीक आहे, व्हॉट इज मीन बाय पोटेंशियल ॲट ए पॉइंट डिफाईन करू। हरी पोटेंशियल ॲट ए पॉइंट ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फिअर। पॉइंट इज सिच्युएटेड इन साइड द स्फिअर। हॉलो स्फिअर आहे लेकिन झिरो। यशवंत पुट उबरा। हरी चुकलं तुझं आन्सर। हरी फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए डायपोल इन नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इंटू डीव्ही बाय डी एक्स। व्हेरी गुड। पी इंटू डीव्ही बाय डी एक्स। व्हेरी गुड। वरुण इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अक्षय इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना। बरोबर। वैभव इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी। अजिंक्य चार्ज काय असतो? चार्ज काय स्टडी असतं बघून नंतर सांगायचं। इकडं राम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट द सेंटर ऑफ सर्क्युलर आर्क हॅविंग लॅमडा लिनियर चार्ज डेन्सिटी। 2k λ/sin θ/2 असं म्हटलं होतं पहिल्यांदा। 2k λ/r × sin θ/2 पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट अलॉंग द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रॉड। नहीं
कंफर्म नहीं है। श्रवण, ए प्लस एल अपॉन ए। बाम इकड़े कौन है? शुभम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अरे पोटेंशियल एनर्जी माहित नहीं तुला? साक्षी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर। एनर्जी रिक्वायर्ड का वर्क डन टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। बर सिट डाउन देवेश, स्टैंड अप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी नहीं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क। स्वप्निल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ डिस्क। हर्षवर्धन, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ द डिस्क। क्या के क्यू एक्स अपॉन, तुला माहिती तो फॉर्मुला नहीं विचारला, मी जो विचारला तो सांगायचा। सुप्रिया स्टैंड अप। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ द डिस्क कस काय आता बघितला का माहिती आहे? बर, पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क। नोटबुक क्लोज। म्हणजे पहिला बघून सांगितलं कस का टू के आला मध्येच। हर्षल भोसले, पोटेंशियल डिफरन्स युनिट सांग, पोटेंशियल सांग। डब्ल्यू बाय क्यू हे झालं युनिट। बर आता फॉर्म्युला सांग, होल्ड। शंतनु, पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क। नोटबुक क्लोज कर। स्वप्निल कळलं का? मग आन्सर कसं काय देत तुला क्वेश्चन जर कळालं नाही तर? दिलंच नाही का तू? कोणाला? देवेशला विचारला होता का? मग त्यांनी सांगितलं अंडर रूट मध्ये, तूच नाही सांगितलं। हां हो का? बर आमचं ऐकायला चुकलं वाटतं। बरोबर होतं का देवेश आन्सर? नाही म्हणा सगळे। तू रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर का प्लस एक्स स्क्वेअर असं काहीतरी करत होता। शंतनू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ॲट द सेंटर ऑफ सर्क्युलर आर्क। साईन थीटा बाय टू। बर, पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट अलॉंग द एक्सिस ऑफ रिंग। मायनस कुठून आला होता मध्येच? कन्फ्यूज व्हायला लागले फॉर्म्युल्यामध्ये कसं होईल। प्लस आहे का मायनस आहे? प्लस आहे। रिंग मध्ये प्लस आहे? प्लसच आहे। लक्ष, इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी इंटू पी अपॉन आर क्यूब हे काय आहे? हां स्वप्निल तू सांगितलं बेटा, चलो सांग। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट इन साइड द सॉलिड कंडक्टिंग स्पियर। सांग ना, हातवर केला तुमचा आता। तेजस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग स्पियर।
Very good. Then intensity at a point along the axis of disk. One minus three cos square theta. हे वेगळेच फोन लागले तुम्ही मध्येच. अर्धा फॉर्म्युला बरोबर अर्धा ते डायपोल साठी आहे. पी कहाँ पे आता है? डायपोल में. फिर रूट में थ्री वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कहाँ पे? डायपोल में. मैंने क्या पूछा था? इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क. सिग्मा इंटू इप्सिलॉन. कार्तिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर. बरू साइंस स्टैंडर्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ द डिस्क. बर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट द सेंटर ऑफ होलो कंडक्टिंग स्पीयर सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर सेंटर पे के क्यू अपॉन आर ही इंटेंसिटी है. खुशी इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट द सेंटर ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर. वेरी गुड सनोवर. वेरी गुड श्रवण. नहीं नहीं स्टैंड अप स्टैंड. इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर. साक्षी इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर. अरे त्यांचे बरोबरच ते त्यांना उभं केलंच नसतं ना त्यांची चुकली म्हणून तर तुला विचारतोय. बरोबर आहे का फॉर्म्युला? किती लोकांना रॉंग वाटतंय? शंतनू अक्षय सांग. नाही ना ती पोटेन्शियल आलं डायरेक्ट. शंतनू बरोबर आहे की तेच आहे. करा बरं विचार दोन मिनिट. ॲट द सेंटर ॲट द सेंटर ॲट द सेंटर ॲट द सेंटर हां झिरो सेंटर पे कितना होगा? झिरो होगा क्योंकि आर डैश कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम सेंटर. तो सेंटर पे इंटेंसिटी सॉलिड है या फिर हॉलो है दोनों केस में जीरो रहेगी. कड़ा लगा कौन है सर? तो जीरो मंडला था. वेरी गुड ठीक है. मग मला पोटेंशियल सांग एट द सेंटर ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर. बघितलंय पण प्रिपेअर नाही केलं. स्वतःच्या ब्रेनच्या ॲबिलिटीज ओळखा. तुम्हाला प्रिपेअर करायला किती टाइम्स रीड करावं लागतं, किती टाइम लिहावं लागतं आणि तेवढ्या टाइम्स प्रॅक्टिस करा. बघितलं म्हणजे होत नाही. मग असं होतं मध्ये मध्ये एक इमेज आठवते दुसरा न्यूरॉन इमेज घेऊन पळून जातो. बरोबर आहे. के क्यू इन ब्रॅकेट हरी आता सांग पुढचं. इन ब्रॅकेट थोडं राहिलं आता. नाही ना रूट नाही. टू टू आर क्यूब. व्हेरी गुड सिट डाऊन. राम पोटेन्शियल ॲट द सेंटर ऑफ होलो स्पियर. लपू नको इकडे ये समोर. हां इकडे इकडं के क्यू बाय आर होलो स्पियर सेंटरला सेंटरला झिरो नाही सेंटरला पण के क्यू आहे आरच. होलो स्क्वेअर के इनसाइड कोई भी पॉइंट दिया है तो हर बार कितना होगा? कॉन्स्टंट होगा. दैट इज के क्यू बाय आर. देवेश सॉलिड स्क्वेअर के सेंटर में कितना होगा पोटेंशियल सॉलिड स्क्वेअर नसतं का? नहीं
नहीं नहीं सेंटर ला भाई राम वेरी गुड मग मला डिस्कच्या एज वर किती असेल पोटेंशियल सांग नोटबुक बंद राम वेरी गुड सिट डाउन देवेश पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग डिस्क करतो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डिस्क श्रवण नको सांगू त्याला साक्षी पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डिस्क 1Q खुशी पोटेंशियल डिफरेंस सनोवर आठवते पण असं काही होतं पोटेंशियल डिफरन्स ड्यू टू डिस्क सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन फिर इंटीग्रेट किया था आरबी माइनस आर ए फिर आरबी माइनस आर ए को रिप्लेस करके हमने डी बोला था ए टू के लैम्डा सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन इंटू डी आरबी माइनस आर ए को हमने डी से रिप्लेस किया था हाँ टू के लैम्डा कुठे आहे काय सांगते सांग शिवम कुठे आहे तू आजपासून परत यायचं बेटा इव्हिनिंगला असं का करताय तुम्ही सगळे फॉर्म्युले प्रिपेअर नसेल तर कसं होईल बरं झालं ना आता चार महिने झाले एक टॉपिक सुरू होऊन आपला कार्तिक काय होतं बरं तुम्ही लाईन्स सांगायचं का बरं मी विचारतो ते ना का तुला येतं ते नोटबुक बंद करून पण रामची पण इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज राम आवाज नाही आला पाहिजे तू इकडे बेटा कोण सांगते आन्सर मला दिसतच नाही इकडे सेंटरला के क्यू बाय आर स्क्वेअर व्हेरी गुड तो पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कसं काय होतंय असं हां काय शंतनू कुठला आहे सगळ्यात तुला दोन नाही आले तुला आज का बरं चांगले मार्क्स पडले गेला काय आवाज लगेच येतो सगळं फिजिक्स म्हणून प्रथमेश कातार पोटेन्शियल डिफरन्स ड्यू टू चार्ज रॉड सांग तेजस व्हेरी गुड काय साय नॅचरल लॉग ऑफ आर आर बी बाय आर ए व्हेरी गुड सिट डाऊन यशवंत इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेअर आर आर के आर स्क्वेअर आर बर सिट डाऊन वरून पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट ड्यू टू अन इलेक्ट्रिक डायपोल आर क्यूब का आर आर क्यूब की आर आर क्यूब कन्फर्म रॉंग हर्षवर्धन हे घरी वाचायचं बेटा इथं नाही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू अन इलेक्ट्रिक डायपोल काय होतं वरून इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज सर्क्युलर आर्क खुशी पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट ड्यू टू डिस्क अलॉंग ॲक्सिस व्हेरी गुड
sit down. Devesh, flux passing through cube when charge is placed at one of its face. मग त्याला क्यू अपॉन टू इप्सिलॉन म्हणणार तर बरं वाटतं. क्यू अपॉन टू इप्सिलॉन, व्हेरी गुड. सिलॉन श्रवण, पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ द डिस्क. पाय इंटू इप्सिलॉन एज वर. बरं, सिलॉन. स्वप्नील, इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी. सुद्धा प्रथमेश खातात, इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंट. व्हेरी गुड. डायरेक्शन सांगून त्याची. साक्षी, फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए चार्ज placed at one of the corner of square. 1 by 2 plus root 2. Sit down. Akshay, electric potential difference due to charge rod. तो along axis झाला, आपल्याला potential difference बाजूला पाहिजे. गुड, एक्सलंट. सिट डाउन. चलो वैभव, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. लक्ष, पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग एक्सिस ऑफ डायपोल. तनुषा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग एक्सिस ऑफ डायपोल. नाही. हर्षवर्धन, पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट अलॉंग ॲक्सिस ऑफ डायपोल. टू के पी अपॉन आर क्यूब. बर. कल्याणी, इलेक्ट्रिक डायपोल म्हणजे काय असतं? वरून, इलेक्ट्रिक डायपोल separated by certain distance. Sit down. Shubham, intensity at a point along axis of ring. Guys, nahi? Charge, SI unit charge, sir. Newton. Sit down. No, sir. Lux, potential SI unit. Dimensions board potential. Karthik, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. आता ॲन्सर हेच सांगितलं तू बरोबर. कार्तिक, विसरला का? के क्यू बाय आर स्क्वेअर. सिट अप. अजिंक्य, पोटेन्शियल ॲट ए पॉइंट ड्यू टू ॲट द सेंटर ड्यू टू सर्क्युलर चार्ज रिंग. हर्षवर्धन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ॲट ए पॉइंट अलॉंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग. बरोबर आहे ना? के क्यू एक्स अपॉन, सकाळपासून तिथं तोच फॉर्म्युला सांगितलं ना, के क्यू एक्स अपॉन 3/2. व्हेरी गुड. सिट डाउन. हर्षल भोसले, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल क्या होता आहे? नाही. भगत, फोर्स ऍक्टिव्ह ऑन ए डायपोल इन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यश,
force acting on a dipole in uniform electric field. Supriya, force acting on a dipole in uniform electric field. Anusha. Indraini, force acting on dipole in uniform electric field. Shantanu, tu ka upay? Tule questions nahi vicharla ka? Bar. Force acting on a dipole in uniform electric field. Zero. Sit down. Uniform electric field mein dipole pe kitna force act hota hai? Zero. Agar wo non uniform hai to, Tanusha, electric field non uniform hai to. Very good. Sit down. P in bracket d by dx. Bhagat. Electric field intensity mhanje kay? Formula sang kiwa unit sang? Sorry. Harshal, electric field intensity formula unit. Electric field intensity. Force acting per unit charge. मग formula काय असेल? V by D. Very good. Sit down. बसा. Sit down. थेरी फॉर्मुले असं विसरतोय किंवा प्रिपेअर नाही जर असेल तर तुम्ही क्वेश्चनची किती प्रॅक्टिस केली त्याचा काही उपयोगच नाही आहे. चलो राईट डाऊन नेक्स्ट क्वेश्चन. कॅल्क्युलेट द फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 5 μC. Calculate the force acting on a charge of 5 μC when placed along the axis of ring. As shown. अगर फॉर्मूले प्रिपेयर नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे फिर? रिंग है, रिंग की रेडियस 3 cm है, पॉइंट का डिस्टेंस 4 cm है. रिंग के ऊपर चार्ज दिया 10 μC एंड जिस चार्ज के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना है? 5 μC. यहां पे K Q1 Q2 / R² कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है, एक रिंग है, ऐसे नहीं चलता है. दोनों भी पॉइंट चार्ज है तभी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है. क्या करना पड़ेगा फिर? फोर्स कैलकुलेट करने का अल्टरनेट इंटेंसिटी. वेरी गुड. F=Q (E). अब इंटेंसिटी नहीं दी है उसको क्या करेंगे फिर? उसके लिए फॉर्मूला है इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग. खुशी, वेरी गुड. सिलाम, ठीक है, करो फॉर्मूला पुट, सॉल्व करो. इंटेंसिटी आ गई, फाइनली क्या करेंगे? F=Q (E) करेंगे. इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, उसके लिए फॉर्मूला है E=KQx/(x²+a²)/3/2. अब यहां पे K मतलब कौन? डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनिटी मतलब 9 × 10⁻⁹. तो ये बना 9 × 10⁹. क्यों मतलब कौन सा लेना है? 5 μC या रिंग का? रिंग की इंटेंसिटी निकाल रहे तो रिंग का लेना पड़ेगा. कितना है? 10 μC. देवेश, 10 μC मतलब 10 × 10⁻⁶ मतलब कितना बचेगा? 10⁻⁵. भगत, एक्स कितना दिया है? भगतला कधी दिसायचं? 4 cm मतलब 4 × 10⁻². अब डिनोमिनेटर में कौन है? x²+a²^3/2. अब x मतलब कौन? 4. a मतलब कौन? 3. 4² + 3² 25.
अब 25:3/2 है, ये इस तरह का ब्रैकेट हर बार सॉल्व करते टाइम आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है, आपको डेटा इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन इजीली हो जाए। अभी पावर कितनी है 3/2, तो 3/2 पावर इसको एक साथ नहीं कर सकते, तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/2। तो पहले हम क्या करेंगे, 25:1/2 करेंगे और इसकी पावर को फिर बाद में 3 बोल देंगे। अब पावर 1/2 होती है मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो 25 का रूट बनेगा 5, फिर बाद में उसका क्यूब करेंगे, कितना बनेगा 5 का क्यूब 125। ये तो हो गया, अब ये तो सेंटीमीटर में था, तो उसकी पावर का क्या करना है, सेंटीमीटर का मीटर हो जाएगा, लेकिन पावर कितनी है 3/2 -3, क्या होगा, सेंटीमीटर का मीटर कर रहे, पावर -2 है, रेस टू 3/2 है, 2 कट हो गया, कितना बचा 10^-3। ये हो गई इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। आगे कैलकुलेशन सिंपल है, करो। आज 5:32 6:30 मध्ये मी बेसिक कॅल्क्युलेशन ज्यामध्ये डेसिमल शिफ्टिंग, 10^ का सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल की एडिशन, डेसिमल की सब्ट्रैक्शन, स्क्वेयर रूट, उसके बाद में यूनिट कन्वर्जन, मतलब जिसको हम बेसिक कैलकुलेशन और यूनिट सिस्टम बोलते हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, वो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जिनको कंसिस्टेंटली एग्जाम में 100 से बिलो स्कोर आ रहा है उनको उस लेक्चर में आना कंपलसरी, कारण तुम्हाला फिजिक्स येत नाही म्हणून स्कोर कमी असं काही नाही आहे, कॅल्क्युलेशनच येत नाही, फॉर्म्युला येतो पुट केल्यावर, इथं काय करायचं बसलेत काही शांत, अजून होईल बोर्डवर सॉल्व तेव्हा छापून घेऊ, ठीक आहे। तर त्यांनी कंपल्सरी यायचं, त्यानंतर काही लोकांनी पेपर अॅनालिसिस करून त्यांच्या लक्षात आलं होतं की मेनी टाईम्स कॅल्क्युलेशन या फिर युनिट कन्वर्जन का प्रॉब्लेम था, तो उनको भी वहां पे आना है, ठीक है। आज इवनिंग में ये हो जाएगा, यूनिट कन्वर्जन, डेसिमल शिफ्टिंग, जो कुछ भी है। तेजस, एंड 4-5 में लेवल 1 के क्वेश्चन का लास्ट डे आज, कल से जो है लेवल 2 के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, हम लोग उद्यापासन थोड़ी क्वेश्चन की लेवल बढ़ते, तो कल से जो रहेगा वर्कशीट का डिस्कशन जे वालों के लिए कंपलसरी है, नीट वाले आले तर प्रैक्टिस होईल तुमची, ठीक है। एंड जे बिलो 100 है ती जर इवनिंगला आले तर नक्की स्कोर मध्ये इम्प्रूवमेंट होईल, ऍटलीस्ट ऑनलाईन करा किंवा ऍटलीस्ट रेकॉर्डेड करा, तिन्ही पण आहे तुमच्यासाठी। चलो आगे आन्सर, सगळ्यांचं सेम आहे का, 0.2 × 10⁵ लिव डायरेक्ट, नाही सुनतो स्वप्नील, बरं ठीक आहे। क्या होगा, 9 × 4 = 36, इसके साथ 2 जीरो लिख देते हैं अपॉन 125, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे 10^ देखो, -3 ऊपर जाके +3 − 2 +1 − 5 −4 + 9 + 5 में से मैंने 2 जीरो इधर लिए, मतलब +3 ये बचा, ठीक है। अभी आगे 5 का टेबल आता है, 125 को डिवाइड करो या फिर 25 से करो डायरेक्ट, 0.02 बार कितना आएगा, ये 5, ये 1, कितने बचे 11 110, म्हणजे 4 10, म्हणजे 144 अपॉन 5, तो 5 का टेबल आता है आगे, कितना बचेगा 2 8.8 × 10³ न्यूटन पर कूलम, ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स चाहिए, क्या करना होगा, F = Q × E, Q कितना दिया है 5 µC, मल्टीप्लाई करते इसको, तो फोर्स बनेगा F = 5 × 10⁻²⁸ × 28.8 × 10³³, तो ये बनेगा 144 × 10⁻³ न्यूटन। उसका है एक 5 वाला होता तो कैंसिल होंगे, 144 × 10⁻³ न्यूटन, -3 ना, −6 + 3 − 3, दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू रिंग, मतलब कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हर बार हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करके फिर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
produces potential of 120 into 10 to the power minus 4 volt. 120 into 10 raised to the power minus 4 volt at a distance of 30 centimeter from its center. Along a line making an angle of 60 degrees, then what will be the potential difference? What will be the electric dipole moment? Potential difference to pehle diya tha na. What will be the dipole moment? मतलब P calculate करना है. अब condition क्या है, देखो dipole की वजह से potential at a point बोल रहा है. क्या होता है formula? V equals to 1 upon 4 pi epsilon into P cos of theta. वरुण क्या होता है, R square या R cube या R square? तो ये बनेगा P cos theta upon R square. यहाँ पे सब कुछ दिया है, आपको P calculate करना है. देवेश अलग आंसर है ना. बस P कैलकुलेट करना है. चलो करो पुट एंड सिंप्लीफाई करो. देखो V कितना दिया है, 120 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 4. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9. डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया है. 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वो बनेगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2. पी अननोन है, कॉस थीटा दिया है. कितना है कॉस थीटा, 60. कॉस 60 1/2, तो ये बनेगा यहाँ पे 1/2. 99 कट होगा. पी इक्वल्स टू 120 का डबल 240 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 कूलम इंटू मीटर. आ सके ये तक बगा. सेम आंसर. सेम क्वेश्चन में अगर बोला है कि दो चार्जेस के बिटवीन का सेपरेशन 2 एंगस्ट्रॉम है. कितना है सेपरेशन, 2 एंगस्ट्रॉम. देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. अब एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्जन 10 रेस टू पावर माइनस 10. डाइपोल मोमेंट दिए, डिस्टेंस दिया है, चार्ज निकालना है. क्या फॉर्मूला होगा, P equals to Q into 2L. तो Q बनेगा P upon 2L. 12 into 10 to the power minus 4. तो उसको अगर माइक्रोकूलम में रिप्रेजेंट करना है तो 1200 माइक्रोकूलम. देखो क्या होता है फॉर्मूला, P equals to Q into 2L. तो Q बनेगा P upon 2L. P कितना है, 240 इंटू 10 की पावर माइनस 15. अब 2L 2 एंगस्ट्रॉम दिया है, मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बनेगा. यानी कि Q इक्वल्स टू आ रहा है 120 इंटू माइनस 10, ऊपर जाके प्लस 10 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 5 कूलम. यानी कि Q बनेगा 1200 माइक्रो कूलम. क्योंकि ऑप्शन में ज्यादातर माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम ऐसे कन्वर्ट करके वो देते हैं, ठीक है. पण तुमचा आंसर आला 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ऑप्शन मध्ये 120 मतलब 1200 मायक्रो कूलम दिसतंय. ये कन्वर्जन कळालं पाहिजे. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा. व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी of a sphere of radius 20 centimeter if it produces
एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 600 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो सो ब्रेन मध्ये प्रोसेसिंग चालली पाहिजे. क्या दिया? स्पीयर दिया. कौन सा स्पीयर? चार्ज स्पीयर. उससे रिलेटेड इंटेंसिटी बोलिए. सिग्मा के फॉर्म में डेटा पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा होगा? E इक्वल्स टू, हे माहित असेल तर आठवेल, E इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वेर अपॉन इप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर स्क्वेर. बट क्वेश्चन में देखेंगे तो कैपिटल आर को 20 बोला है, स्मॉल आर को भी 20 बोला है. मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि पॉइंट कहाँ पे? सरफेस के ऊपर है, तो वहां पे आर स्क्वेर कट होता है, यानी सिग्मा इक्वल्स टू बन गया इप्सिलॉन इंटू ई. करो पुट अप. कल्याणी बड़बड़ न करू. इप्सिलॉन कितना होता है तन्विशा? इंटू ई. ई दी है क्वेश्चन में. इप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12. इंटेंसिटी कितनी दी है? 600, मतलब 6 इंटू 10 की पावर 2. तो 8.85 इंटू 6 50 है. तो का 53 है. तो 53 इंटू 10 की पावर -10 कूलम पर मीटर का स्क्वायर. ये हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, नेक्स्ट. सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस इज प्लेस्ड अलोंग वर्टेक्स और वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर एज शोन, देन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस. इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. How to calculate system of potential energy? 1 upon 4 pi epsilon into q1 q2 upon r. ठीक है, तो यहाँ पे 1 by 1 कैलकुलेट कर सकते हैं आप. अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो एक एक स्टेप कैलकुलेट करो, फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, मैं दोनों भी स्टेप से करता हूँ. पहले डिटेल में करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बाद में डायरेक्ट करेंगे. जानना है तो छोड़ो, जिनको नहीं आता है बोर्ड पे ध्यान दो. हम एज्यूम करते हैं कि सपोज ये स्क्वायर है. कौन सा स्क्वायर है? ए बी सी डी. तो पहले जो चार्ज एट ए है उसको लेके आने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? पहले ए के ऊपर का चार्ज लेके आ रहे हैं, मतलब बी सी डी के चार्जेस वहां पे नहीं है, तो उसको लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी ना, तो पहला वर्क डन कितना होगा? डब्ल्यू वन जीरो होगा. उसके बाद में जो चार्ज हम बी के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो उसको लेके आने के लिए जो चार्ज हमने ए के ऊपर रखा था उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा. और ये वर्क डन कितना होगा? W2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इनटू Q1 Q2. Q1 मतलब कौन है? 20 माइक्रोकूलम इनटू Q2 मतलब कौन है? 30 माइक्रोकूलम. माइक्रो माइक्रो -12 अपॉन R. डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -1. बाद में हम C के ऊपर का जब चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा? C के ऊपर चार्ज लेके आ रहे हैं तब की केस में पहले हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट जो चार्ज A के ऊपर था. तो A से लेके C तक का डिस्टेंस कितना होता है? 10√2. डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना होता है? √2 टाइम्स होता है. इसलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्क डन मिलेगा W3 कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन. Q1 कौन है? 20. Q2 कौन है यहाँ पे अभी? 40. माइक्रो माइक्रो -6 -6 मतलब -12. एंड सेपरेशन कितना होगा? 10√2 इंटू 10 की पावर -2. सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन किया.
लेकिन इसमें और एक वर्क डन हमें ऐड करना पड़ेगा, कौन सा वर्क डन अगेंस्ट चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम, कितना होगा फिर से 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इनटू q1 कोण 30 q2 कोण 40 माइक्रो माइक्रो माइनस 12, अभी सेपरेशन 10 सेंटीमीटर ही है मतलब ये 10 की पावर माइनस 1 बनेगा। अभी तीन चार्ज आ गए, अभी हमें क्या करना है, डी के ऊपर का चार्ज भी लेके आना है। तो जब डी का चार्ज लेके आ रहे तो क्या होगा, वन बाय वन पहले ए के चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, कितना होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है कितना होगा बोलो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 20 इंटू 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 1। दूसरा वर्क डन हमें 30 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, अगेन इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 10√2, मतलब सेम यहाँ पे इक्वेशन मिलेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, q1 है 30 q2 है 40 माइक्रो माइक्रो बनेंगे माइनस 12 एंड डिस्टेंस कितना है 10√2 सेंटीमीटर था इसलिए माइनस 2। अभी अगेन हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट कौन सा चार्ज 40 माइक्रो कूलम का, यानी ये बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 40 इंटू 40 इंटू 10 की पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 1। फिर ये सारे वर्क डन की एडिशन करेंगे देन वी विल गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आली का हे समजलं का आपण काय केलं, आपण हे कळालं पाहिजे पहिले बेसिक, मतलब देखो जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाई थी तब भी हम यही करते थे, पहला चार्ज लेके आ रहे वर्डन जीरो था क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं अपोज करने के लिए, दूसरा चार्ज लेके आ रहे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने वर्डन किया था वो यहाँ पे, तीसरा चार्ज लेके आ रहे तो इसको दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्डन करना है, पहले ये 20 की बाद में ये 30 की, तो देखो 20 की है तो 10√2 डिस्टेंस, 30 की है तो डिस्टेंस सिर्फ 10 है, बाद में हम डी के ऊपर का चार्ज लेके आ रहे तो इसके अगेंस्ट भी वर्डन करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, तो वो तीनों वर्क डन की वहां पे एडिशन की। एंड वो फॉर्मूला मैंने बोला था कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, एन इन ब्रैकेट एन माइनस वन अपॉन टू करना, यहाँ पे चार्जेस कितने थे 4, तो ये बनेगा 4 × 3/2 मतलब 6, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसे 6 पेयर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अभी लास्ट में इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, बट ऐड करते टाइम कैसे करना है डायरेक्ट मेथड में बोलता हूं, बट डायरेक्ट मेथड जो पर्यंत तुम्ही प्रैक्टिस करणार नाही तो पर्यंत अप्लाई करू नका, कन्फ्यूजिंग आहे, तो पर्यंत आहे तीच फॉलो करा, टाइम लागला तरी चालेल। हे क्लियर आहे सगळ्यांचं, लिहून झालंय का, लिहून घ्या समजलं असेल तर। श्रवण आलाय सर, 5 to 9.0 5 to 9.2 जूल, 10 की पावर कुछ नहीं आ रही है। देवेश, राम, शंतनु, +7 -7 एवढं +7 कुठे गेली, -12 घेतलं नाही मायक्रोचं, इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही ना शुभम, ये -12 क्यू लिखा क्योंकि q1 भी माइक्रो है q2 भी माइक्रो है, तो माइक्रो में -6 -6 -12 हो जाएंगे। देखो अभी इनको ऐड करना है, यानी हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे कारण एवढा वेळ नसतो आपल्याकडे, बट मी परत तेच सांगतोय की अगर प्रॅक्टिस हो गई तो डायरेक्ट करो नहीं तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे करो, ये बेस्ट मेथड, इसमें मिस्टेक नहीं होगी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंडीशन क्या हो रही है, देखो कि दो बार हमें ये डिस्टेंस 10√2 लेना पड़ रहा है, इसको अगर छोड़ेंगे तो रिमेनिंग 4 टाइम्स डिस्टेंस कितना है सिर्फ 10 है, यानी कि 1 बाय 1 यहाँ पे अगर हमें इनकी सम करनी है और डायरेक्ट मेथड से सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो मैं डायग्राम रीड्रॉ करता हूँ, क्या था पहला चार्ज 20, दूसरा 30, तीसरा 40 एंड लास्ट वन वो भी 40, ठीक है, तो डायरेक्ट कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है, तो हमें मालूम है चारों के एक्सप्रेशन जब भी हम फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन सब में कॉमन है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मतलब के को पहले ब्रैकेट के बाहर लेते हैं। अब देखो एक एक पेयर हमें लेनी है, पहले इन दोनों की पेयर कितना आएगा 30 × 20 600 × 10⁻¹¹ मतलब ये बनेगा 6 × 10⁻¹⁰ अपॉन इनके बिटवीन का डिस्टेंस
10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 1, तो ये बनेगा 10 की पावर माइनस 1, क्लियर है। प्लस जब हम ये 30 माइक्रो कूलम को प्लेस करेंगे और 40 को लेके आएंगे तो वर्कडन पहले 20 के अगेंस्ट होगा, उसमें के कॉमन आएगा उसको बाहर लिया है, तो अभी ये Q1 Q2 बनेंगे 20 × 40 कितना होता है, तो ये बनेगा अगेन 8 × 10 की पावर -10। सिर्फ यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना लेना पड़ेगा, 10√2 × 10 की पावर -2। इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस अभी 30 के अगेंस्ट वर्क डन करना है, तो के तो कॉमन लिया था, Q1 Q2 कौन होगा, 30 × 40 बोलो 12, तो ये बनेगा 12 × 10 की पावर, अगेन डिस्टेंस तो 10 की पावर -1 ही रहेगा, तो ये 40 के लिए वर्क डन हो गए। अभी क्या करना है, सेम रिपीट करना है फॉर दिस 40, तो पहले इन दोनों के लिए वर्क डन क्या होगा, के कॉमन लिया है बोलो, 40 × 20 मतलब अगेन 8 × 10 की पावर -10, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -1। प्लस इसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा, 40 × 30 पर 12 × 10 की पावर -10 एंड डिस्टेंस रहेगा 10√2 × 10 की पावर -2 एंड एट द एंड इसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे 40 × 40 60 × 10 की पावर -10 / 10 की पावर -1। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप भी हम स्किप कर सकते हैं, इसके बाद की जो स्टेप है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखो सब में 10 की पावर -10 कॉमन है, डिनोमिनेटर में कौन है, 10 की पावर -1 है, -1 ऊपर आएगा तो +1 - 10 - 9 कॉमन लेंगे तो के में फिर से +9 है, +9 - 9 कट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या 9 ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 10 की पावर नहीं, कौन है सिर्फ यहाँ पे कौन है, 8 था, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो 10√2 है, लेकिन 10 को हम इसके साथ कैंसिल कर चुके हैं, तो 1/√2 कितना होता है, 0.7 × 8, वेरी गुड, तो ये बनेगा 6 + 5.6 प्लस ये 12 एज इट इज प्लस ये 8 एज इट इज प्लस यहां पे फिर से 12/√2 आ रहा है, 1/√2 कितना है 0.7, तो 0.7 × 12 8.4, वेरी गुड, तो ये बनेगा +8.4 एंड एट द एंड कौन है 16, तो 9 × एडिशन कर सकते हो अभी, 12 + 8 = 20, 20 + 6 = 26, 26 + 16 = 42, 42 + 8 = 50 + 5 = 6, 56 का हो नहीं करूँ बगा एकदा मैं कहीं पर लिखूँ टाका दोस्तों, 9 × 56 दिस विल बी द आंसर, पॉइंट पण येत नाही डायरेक्ट तुम चालू होतो, कितना आएगा 9 × 6 = 504, युनिट बोल तेजस, न्यूटन का न्यूटन पर कूलम, चलो पर यूनिट बोलो न्यूटन, खुशी यूनिट वोल्ट, तनुष यूनिट शंतनु जूल, तो बरोबर होतं पण बाकीच्या नाही विचारायचं, त्याच्यामुळे मिस होत नाही, एनर्जी फाइंड कराए ना, तो न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन पर कूलम नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, क्या होगा जूल होगा, करा लो। अभी सेम पॉइंट है, सॉरी सेम क्वेश्चन है, और हमें बोला है कि इस अरेंजमेंट में ये जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, पॉइंट P के ऊपर हमें फाइंड करना है नेट पोटेंशियल, क्या फाइंड करना है पोटेंशियल, सेम चार्जेस की एडजस्टमेंट है, बस सेंटर पे मतलब डायगोनल के इंटरसेक्शन पे पॉइंट P है, वहां पे पोटेंशियल हमें फाइंड करना है,
देखो सबसे पहली बात, सारे चार्जेस पॉजिटिव है, मतलब सारे पोटेंशियल की क्या होगी, एडिशन होगी, ठीक है। अब पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर, 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर, मतलब क्या, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, फोर टाइम्स है, तो उसकी क्या होगी, एडिशन होगी, ठीक है। यहाँ पे हर बार आर सेम रहेगा, कितना रहेगा आर, 5√2, क्यों, क्योंकि डायगोनल कितना है, 10√2, मिड पॉइंट है, मतलब डायगोनल का हाफ 10√2 का हाफ, 5√2 सेंटीमीटर। करो सॉल्व फिर, क्या होगा, के बाय आर हर एक में कॉमन है तो उसको बाहर ले सकते हम, ब्रैकेट में कौन बचेगा, सिर्फ क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर, इस मेथड से करो। एक साल साहू का देखो, वी वन का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू वन अपॉन आर, आर सबके लिए कॉमन है, तो के बाय आर, के बाय आर, के बाय आर चारों में आ रहे थे इसलिए कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट में बस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर बचा है, कितना होगा, 20, 30, 50, 40, 40, 8 + 5 = 130 माइक्रोकूलम, मतलब फाइनल आंसर होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना था, 5√2, रूट टू मतलब 1.4 × 5 = 7, भगत कहते का, तो ये बनेगा 2, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 × 10⁵, मतलब 1.8 × 10⁶ वोल्ट, दिस विल बी द पोटेंशियल। तो अप्रोच चेक करा एकदा, सेम इज द आंसर, कितना डिफरेंस आता है। कल से जो है फ्रॉम टुमारो लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स बंद हो रहे हैं, ठीक है, कारण कई लोगों को खूब डिसऑर्डर, मैं पहले सही तो लाइव लेक्चर हम क्यों रख रहे हैं, कौन सी इमरजेंसी है ना, कोई प्रॉब्लम है गाड़ी नहीं आने के लिए, या फिर सच में तबीयत खराब है, वो अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमने ये एडजस्टमेंट रखी थी। यदि ये बगा सनी सर के लोग जाग नहीं आने, उन्होंने जोपी तो उठता लॉग इन करता पर जोपा काटता, और कल से जो है लाइव लेक्चर नहीं होगा, रिकॉर्डेड रहेगा बट लाइव लेक्चर नहीं रहेगा, ठीक है, त्यामुळे त्या वर्षावर थांबू नका। सेम एक आंसर वरुण कनेक्ट, 8 1 9 एवढं चुकलं माझं, बर के बाय आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये सेम है ना, यही आता है ना। अब ब्रैकेट में जो है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, इनको हम ऐड कर रहे हैं, 20 + 30 = 50, 50 + 40 = 90 + 40, मतलब चार्ज की एडिशन कितनी आ गई, 130 माइक्रोकूलम, डायरेक्ट एडिशन करनी क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, 130 माइक्रोकूलम है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 130 × 10⁻⁶, मैंने डेसिमल शिफ्ट करके इसको 1.3 लिख दिया, तो 1.3 × 10⁻⁴, कॉमन कौन था, के, के कितना है, 9 × 10⁹, आर कितना था, 5√2, लेकिन वो सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²- से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, राइट होता, ठीक है, तो 5√2 में देखो, √2 कितनी है, 1.4 × 5 = 7, तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 7 × 10⁻², तो ये 1.3 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.4 लेके ये 7 इसको डिवाइड किया, तो कितना आता है, 10⁻⁪, यहाँ पे 0.2 × 9 मतलब कितना बनेगा, 1.8, अब ये 1.8 लिया था, फिर यहाँ पे 9 − 4 मतलब कितना आ गया, 5, और ये 5 था, 1.8 है, −2 पर जाके +2, 5 + 2 = 7, मतलब इसको ये 18 × 10⁶ वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट ऐसे आता है। कितने लोगों का सेम है, आए ना थोड़ा पर आसपास, 18, 19, 20, हाँ ठीक है, 20 के आसपास है जो बराबर है वहां से, साक्षी डायरेक्ट 8 9 1, नेक्स्ट
सेम पॉइंट है। अब यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो इतना इजी नहीं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू कंसीडर डायरेक्शंस। राम काय करावं लागेल इंटेन्सिटी फाइंड करताना, हे से कन्सिडर करेंगे डायरेक्शन्स, स्टँड अप एक्सप्लेन करो, विथ डायरेक्शन क्या लेंगे, प्लस माइनस के से कन्सिडर करेंगे। तो आगे जाती है नहीं, मत सांग डायरेक्ट फॉर्मुला वगैरह एडजस्टमेंट कशी जरा गाइड करा। नहीं, ई नेट वाला नहीं, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, फिर उसको यहाँ पे 20 यहाँ पे 40 है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी 40 की, तो हम 40 की इंटेंसिटी माइनस 20 की इंटेंसिटी ऐसे लेंगे ना, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा E1। वैसे यहाँ पे 30 यहाँ पे 40, तो 40 की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ये कौन बनेगा E2। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के फिर ये एंगल कितना है फाइंड करके फिर इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे जो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। बट इंटेंसिटी रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन देंगे तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम दिए जाते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट चार्ज के मैग्नीट्यूड देऊन एवढं कॉम्प्लिकेटेड नहीं विचारा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन ले लो, बस हर बार जो चार्ज है वो 40 माइक्रोकूलम दिया है, देन फाइंड इंटेंसिटी एट द सेंटर, कितना होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरा असला असता तर एंगल किती येतो, तो हाच येतो ना एंगल, किती येतो सो विचार कर बरं, नक्की डायगोनल इंटरसेक्ट करते, कैसे इंटरसेक्ट करते है नॉर्मली, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब रूट ऑफ E1 स्क्वेअर E2 स्क्वेअर करायचे का, करा ना, मला वाटलं ठीक आहे। चलो छोटे छोटे चार्ज देतो, 10 मायक्रोकुलम पहला चार्ज 10 मायक्रोकुलम, दूसरा चार्ज -10 मायक्रोकुलम, तीसरा चार्ज -20 मायक्रोकुलम एंड फोर्थ चार्ज +20 मायक्रोकुलम एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। करो भाई सेम, अभी जो प्रोसेस बोली थी राम ने वही करना है। देवेश बर्थडे बने तुझा आज, इकडे मला नोटिफिकेशन कसं काय आलं, अरे हो ॲप वर आलं, हॅपी बर्थडे, डिस्टन्स का 10 सेंटीमीटर,